स्वागत है आप सभी का मकराना बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनामिका शेखावत और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। एक तरफ जहां शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रिसमस पर मनाया जा रहा था, तो वहीं सनातन धर्म की जननी मां तुलसी का तुलसी दिवस भी मनाया जा रहा था। सनातन धर्म से जुड़े श्रद्धालु भक्तों ने शनिवार को तुलसी दिवस हर्षोल्लास से मनाया। मंदिरों और घरों में माँ तुलसी के समक्ष दीप जलाकर एवं धूप बत्ती जलाकर पूजा अर्चना की गई और लोगों को तुलसी के पौधे भी वितरित किए गए। गणेश टूंगरी मंदिर पुजारी पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक है, इसकी पुष्टि तो युगों युगों से होती आई है। वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि आज जहां पर काफी प्रदूषण हो रहा है, वहां तुलसी का पौधा लगाने से प्रदूषण काफी मात्रा में कम होता है तथा यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी तुलसी पूजन दिवस मनाया। साथ ही हर किसी से आह्वान किया कि हर वर्ष 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करें। तुलसी हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। तुलसी पूजन से ही दिन की शुरुआत होती है। इस दौरान तुलसी मैया के जयकारे भी लगाए गए। पंडित विमल पारिक ने कहा कि आज से बड़े दिन की शुरुआत होती है, ऐसे में हमें काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुराणों में तुलसी की गाथा सर्वविदित है। तुलसी से की गई प्रार्थना सीधे श्री हरि सुनते हैं। तुलसी का औषधीय महत्व जो जग जाहिर है, कोरोना काल में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तुलसी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया गया। उन्होंने आह्वान किया कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कर भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। खबर कुचामन। पुलिस थाना कुचामन थाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा नागौर ने वार्षिक निरीक्षण किया। इससे पूर्व पुलिस बल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखने, रात को समय पुलिस की प्रभावी गश्त करने के लिए निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के रखरखाव से लेकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण में सबसे पहले उन्होंने कार्यालय के रजिस्टर और अपराध रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट, फ्लाई शीट रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, हेल्प डेस्क आदि का जायजा लिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ कुचामन थाना प्रभारी हनुमान सिंह चौधरी भी रहे। इसके बाद मीणा ने अभिलेखों से रखरखाव, मालखाने व शस्त्र कक्ष में शस्त्रों की व्यवस्था देखी। कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष महिला हवालात व थाना परिसर में बैरक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने थाना के विभिन्न मामलों की जांच के बाद पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत करवाया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर से कुचामन थाने की व्यवस्था को देखकर प्रशंसा की। खबर कुछ सौजन्य से गांव राजास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 42 विद्यार्थियों को सर्दी से बचाव हेतु स्वेटर वितरित किए गए। लॉयंस क्लब प्रांत 3233 E2 के ग्लोबल सर्विस टीम कोऑर्डिनेटर लॉयंस राम काबरा, क्लब अध्यक्ष लॉयन कुसुम लड्ढा, सचिन लॉयन, संगीता अग्रवाल, लॉयन मूलचंद लड्ढा, लॉयन कुसुम अग्रवाल, लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट सचिव लॉयन द्वारका प्रसाद कुमावत, सर्विस चेयरपर्सन लॉयन प्रहलाद रंगावत ने विद्यालय पहुंचकर स्वेटर वितरित किए। स्वेटर पाकर विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे। इस दौरान लॉयंस राम काबरा ने विद्यार्थियों से कहा, जीवन में कुछ बनने के लिए एक लक्ष्य होना जरूरी है। आपको विषय में क्या बनना है, इसके लिए अभी से एक लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य की प्राप्ति तक आप अपना लगन से कड़ी मेहनत करें और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। लॉयन कुसुम लड्ढा ने कहा, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार सेवा कार्य क्लब द्वारा निरंतर जारी रहेगी।
लॉयन संगीता अग्रवाल ने कहा, इस प्रकार के नेक कार्यों में सहयोग करने से दिल को सुकून मिलता है। प्रधानाचार्य शेर सिंह ने बताया कि विद्यालय के 42 बच्चों को स्वेटर की जरूरत थी, जिसके लिए लॉयंस क्लब नावा को कहा गया, जिसे इन्होंने तुरंत स्वीकार कर व्यवस्था की। इसके लिए विद्यालय इनका आभार व्यक्त करता है। इस अवसर पर मनोहर, रीना शर्मा, परसारम, दिलीप सिंह, हीरालाल, दिलीप टाक, पूनम मल, भैरू सिंह, उर्मिला आदि स्टाफ मौजूद रहे। मतलब मोटा मोटा उम्र के अनुसार लेके आए, फिर कुछ छोटा बड़ा हो गया ना तो बदलना चेंज भी हो जाएगा। कैसा लगा बेटा फोटो खींचा? नहीं, अरे दो की कोई खबर मकराना से। बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं के जोश से समाज का विकास होगा, जिसके लिए सभी वर्गों के साथ आना होगा। यह कदम अकलियत समाज के चुनावों को लेकर कुरैशी जमात खाना ने आयोजित कुरैशी समाज की बैठक में युवा नेता आंसू गौरी द्वारा कहा गया। अकलियत समाज के सदर के चुनाव के आयोजित को बैठक में युवा नेता आंसू गौरी ने कहा कि वे समाज के विकास के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए युवाओं में जोश है, लेकिन समाज के बुजुर्गों को मार्गदर्शन भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि चुनाव जीतते हैं तो बुजुर्गों का एक मार्गदर्शन मंडल बनाएंगे, जिसमें समाज के सभी वर्गों जातियों के बुजुर्ग को शामिल किया जाएगा और समाज के प्रति किसी भी कार्य के लिए उनकी राय में काम किया जाएगा। साथ ही समय समय पर उनसे द्वारा कमेटी के कार्यों की समीक्षा भी ली जाएगी और समाज के सामने कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस दौरान कुरैशी समाज के युवाओं व बुजुर्गों में आंसू गौरी को अपना समर्थन देते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर अब्दुल हमीद सदर, पूर्व सदर मोहम्मद सलीम, शौकत अली कुरैशी, इस्लाम कुरैशी, अब्दुल मनान कुरैशी, फयाज कुरैशी, सलमान कुरैशी सहित अन्य मौजूद रहे। खबर मकराना से। मंगलाना महाविद्यालय में व्यवस्था एवं साफ सफाई को लेकर छात्रों ने गत दिनों महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत करवाया। अवगत करवाने के बाद समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर शुक्रवार के दिन छात्रों ने पुनः महाविद्यालय प्रशासन में मौखिक अनुरोध किया, लेकिन अनुरोध पर महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया न आने पर छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में धरना देकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर करते हुए छात्र प्रतिनिधि संजय बंजारा व राहुल सेन ने बताया कि पिछले दिनों महाविद्यालय की साफ सफाई हेतु ज्ञापन सौंपा, जिस पर अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई एवं सफाई में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सभी छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर इंद्र प्रजापत, मोहम्मद अल्ताफ, महेश शहीदीन बानो, सुनील मेघवाल, मधुबाला, निशा राठौर, नीलम, सीमा जांगर सहित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम हमारा हक मांगते भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारे हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गलत प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। खबर नावा से। उपखंड मुख्यालय के पुराने रेलवे स्टेशन के पास स्थित गुलाबबाई धूत स्थानीय बालचर संघ में चल रहे 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपकरण अधिकारी ब्रह्मालाल जाट ने कहा कि शिविर की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस आयोजन से बालिकाओं में आत्मविश्वास का भाव पैदा होने के साथ साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण से अपनी व अपने साथियों की रक्षा के भाव उत्पन्न होंगे। इस शिविर ने क्षेत्र में अपनी अमीर छाप छोड़ी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार समापन समारोह के अंतिम दिन प्रशिक्षण शिविर के दक्ष प्रशिक्षक कविता शर्मा व श्याम रानी अनीता सिंह ने प्रशिक्षण विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। शिविर में शारदा बाल निकेतन विद्यालय के संचालक हरिओम शर्मा ने परीक्षणार्थियों को दंड प्रहार का अभ्यास करवाया। शिविर में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ललित कुमार शर्मा, नमक अधीक्षक विजय कुमार शर्मा, स्थानीय बालचर संघ सचिव मोहन सेवदा, अधिकारी चांदमल शर्मा, पूर्व सैनिक रिसालदार अजमल खान आदि ने संबोधित किया। समापन समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान ब्लॉक के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय के 87 संभागियों ने भाग लेकर प्रशिक्षण किया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चांदमल शर्मा ने शिविर समापन की घोषणा करते हुए अतिथियों के साथ शिविर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। खबरनावा से, उपखंड मुख्यालय के ग्राम खारड़िया में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के निर्देशन में चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक की टीम ने मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच कर उपचार किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट व विकास अधिकारी रामनिवास चौधरी ने शिविर का निरीक्षण कर अधिक से अधिक आम जन को लाभ पहुंचाने की बात कही। इससे पूर्व सरपंच प्रतिनिधि दानाराम कुमावत व उप सरपंच राम सिंह राठौर सहित ग्राम के गणमान्य नागरिक द्वारा उपकरण अधिकारी ब्रह्मलाल जाट, विकास अधिकारी रामनिवास चौधरी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ जैन, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल टाका, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर शिवराम ताखर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमारी, डॉक्टर मनोज मित्तल आदि माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा शिविर में आए मरीजों का इलाज किया गया। शिविर में COVID-19 टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, सामान्य जांच आदि के साथ साथ निःशुल्क दवा वितरण भी की गई। ग्रामीणों ने कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इसे आमजन के हित में सराहनीय कदम बताया। इस अवसर पर सरपंच भंवरी देवी, सरपंच पति दयाल राम, उप सरपंच राम सिंह राठौर, ग्राम विकास अधिकारी द्वारका प्रसाद सोनी, बिरधा राम कुमावत, शिवकरण राम, जीवन राम, भूमा राम, जोगेंद्र सिंह राठौर, धनराज प्रजापति व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आपके जो भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, बीमारियां हैं, उनकी जानकारी और पूरी टीम बैठी है। जो बच्चे और खबर निमोद से, निमोद कस्बे के शनिदेव महाराज के मंदिर में पोष मास के चलते पोष बड़ा का आयोजन हर्षोल्लास से संपन्न हुआ, जिसमें 35 किलो दाल के बड़े और 10 किलो सूजी का हलवा बनाया गया। धर्मेंद्र भार्गव ने बताया कि समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जाता है और 7 साल हो गए और आगे भी चलता रहेगा। सैकड़ों की संख्या में माता बहने, बच्चे और भाई लोग भाग लेते हैं। सुंदरकांड का पाठ किया और शनि महाराज के भजनों के साथ साथ आरती कर हलवा बड़ा का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। शनिदेव मंदिर का विशेष सजावट की गई जो देखने लायक थी। श्री सुंदरकांड मंडली राजकुमार भाणु लाडनू वालों ने बहुत ही बढ़िया सुंदरकांड की प्रस्तुति दी। शनिदेव कष्ट दूर करेंगे भजन पर श्रद्धालु झूम उठे, माता बहनों ने भी बढ़कर भाग लिया। गणेश अग्रवाल, धर्मेंद्र भार्गव, मेघाराम भगवत, गोपाल भगवत, राम सिंह, सुरेश भार्गव, विजय भार्गव, केदार भार्गव, गोपाल भार्गव, डीडवाना बाबूलाल प्रजापत एवं समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
एक केल का पिंपा और 500 रुपए राम सिंह जी गिद्धारी सिंह जी आपकी तरफ से, एक केल का पिंपा मेगा राम जी गोपाल जी। खबर पर्वत सर से। पर्वत सर के गांधीवादी नेता के तौर पर मशहूर पर्वत सर के 3 बार विधायक रहे पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान के निधन पर हर तरफ शोक की लहर फैल गई है। व्यापार मंडल ने बाजार बंद रखे, वहीं विधायक रामनिवास गावड़िया, प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश मुंडवाड़िया, पूर्व विधायक बिरथा राम चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी, आर एल पी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन, रमेश चंद्र बोरा, माधव प्रसाद व्यास, राजू राम व गिरधारी राम मुंदलिया, रोहित जैन सहित विभिन्न संगठनों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। सोशल मीडिया पर सभी ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए संवेदना व्यक्त की। फोटो 25/12 पर्वत सर के गांधीवादी नेता मोहनलाल चौहान के निधन पर हर तरफ शोक ही शोक है। फिलहाल के लिए मकराना बुलेटिन में इतना ही, और